नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 लेयर एंड 7 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड लगाने के बारे में वीडियो बनाने की बात कही थी। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपको 5 लेयर एंड 7 लेयर लोटस शील्ड प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ कि ये चैनल गॉड गाइडेड है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे ऊपर वाले ने दिया है, शेयरिंग के लिए दिया है, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें, अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये प्रोटेक्शन शील्ड एक तरीके से आपके लिए ब्रिज का काम करती है, या आप कह सकते हो कि आपके लिए उस व्हीकल का काम करती है जो आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ आपको आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखती है। एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो अपनी जर्नी में स्टक है। ये उन सभी स्टक लोगों के लिए जो अपनी जर्नी में स्टक हैं हेल्प करने में सहायक है। इस शील्ड को वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें और परमात्मा का आवाहन कर इस शील्ड को लगाएं। मैं अगेन दोहराना चाहूँगी कि जो भी प्रोटेक्शन शील्ड मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अर्थात ईश्वर जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं केवल और केवल माध्यम मात्र हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, उनका दिया सभी के लिए है, इसीलिए वो मेरे माध्यम से आप तक इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। 3D से 5D में जाने में थोड़ा समय लगता है। एक 4D लेवल आता है जहां हम स्टक फील करते हैं, जहां बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स फील करते हैं, और उन इल्यूजन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम समझ ही नहीं पाते रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। मेरी लाइफ में भी ये फेस आया और इस इल्यूजन से बाहर निकलने में मुझे गॉड ने ही हेल्प की। आप जब भी मेरे द्वारा बताई हुई इन शील्डों को लगाएंगे, पहले डीप मेडिटेशन करेंगे, ऊपर वाले को इनवाइट करेंगे, इनवाइट कर फील करेंगे वो आपके सामने हैं और आपको स्वयं ये प्रोटेक्शन शील्ड लगा रहे हैं। बिना गॉड का आवाहन किए कोई भी इन शील्ड्स को नहीं लगाएगा, ये डायरेक्ट गॉड द्वारा दी हुई, बल्कि उन्हें गॉड कहलाना पसंद नहीं है, वो हमारे पिता हैं, वो परम पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वोच्च शक्ति जिनके हम अंश हैं, वो अपने आप को पिता कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये परमात्मा की, बाबा जी की, मैं उन्हें प्यार से बाबा जी कहती हूँ, ये बाबा जी की दी हुई शील्ड आप उन्हीं को आवाहन करेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप 5 लेयर एंड 7 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करें। आप विजुअलाइज करेंगे कि हाँ, वो प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिल रही है।
प्रोटेक्शन शील्ड कैसे लेनी है, जिन लोगों को ये नहीं पता है वो मेरी पुरानी प्रोटेक्शन शील्ड की वीडियो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद ही इस शील्ड को लेंगे। बिना पुरानी शील्ड को लिए आप ये न्यू शील्ड नहीं लगाएंगे। ये उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि बिना पहली सीढ़ी पर चढ़े आप सीधा पांचवी या सातवीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। तो ये शील्ड उन्हीं लोगों को दी जा रही या उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी में 3D से 5D के लिए प्रिपेयर हो गए हैं लेकिन 4D के इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। अगेन दोहरा रही हूँ, आप अपनी डेली जहाँ भी मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर को जिस भी नाम से पुकारते हैं, आंखें बंद करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ अपने सामने रखेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको ये 5D और 5 लेयर एंड 7 लेयर शील्ड प्रोवाइड करें। जब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने हाथों में एनर्जी फील होगी और ये फील होगा कि हाँ, आपके हाथों में कोई शील्ड आई है। उसे फिर आप उसी प्रोसेस के थ्रू, जैसे पहले शील्ड 3 लेयर आपको दी गई है, वैसे ही फील करेंगे कि वो ओपन होकर लोटस फॉर्म में आपके सहस्रार चक्र से कवर होते हुए पूरे बैक को उस लोटस ने कवर कर लिया है और उसकी जो पेटल्स हैं, मींस आप उस लोटस के एकदम ठीक सामने हैं, उस लोटस का फेस आपकी बैक के सामने है और आप वहाँ से एक एक लेयर निकाल कर उन लेयर्स में अपने आप को कवर करेंगे। सबसे पहली लेयर जो आप करेंगे वो टो के नीचे से एक लेयर उठाएंगे, सहस्रार को कवर करते हुए पीछे बैक में उसको टक कर देंगे या वहाँ पर जाकर उसको रोक देंगे। वो अपने आप फिक्स हो जाती है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसके पीछे से एक लेयर उठाएंगे लोटस की, पेटल की, और अपने टो के नीचे से जाकर उसको टक कर देंगे। फिर तीसरी लेयर उठाएंगे, उसके ऊपर से एक और लेयर, और वो अपने सहस्रार चक्र से पीछे बैक में जाकर टक कर देंगे। उसके बाद बैक के पीछे से राइट हैंड साइड से एक लेयर उठाएंगे और कवर करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में उसको टक कर देंगे, ये 4th लेयर। और 5th लेयर वहीं उसके ऊपर से एक लेयर उठाएंगे और राइट हैंड साइड में टक कर देंगे। ये है आपकी 5 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड। मैं ब्रश के द्वारा आपको इस शील्ड को लगाने में मदद कर रही हूँ। सबसे पहले आप गॉड का आवाहन करें, उन्हें इनवाइट करें और प्रोटेक्शन शील्ड मांगें। प्रोटेक्शन शील्ड आपके हाथों में आ जाएगी, उसे विजुअलाइज करें। वो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली विजुअलाइज करना है। वो अपने आप ओपन होके पीछे लोटस आपके बैक में पूरा आपको कवर कर लेगा। नीचे से आप एक पेटलिस लोटस की उठाएंगे और सहस्रारा के पीछे से बैक में उसको कवर कर देंगे। उसके बाद उसी के ऊपर से एक लोटस की लेयर उठाएंगे और टो के नीचे इसको कवर कर देंगे, 2nd लेयर। 3rd लेयर उसी के ऊपर से एक लेयर उठाएंगे, सहस्रारा के पीछे उसे कवर कर देंगे। 3rd लेयर हार्ट चक्रा बैक साइड, मींस आपकी रीढ़ की हड्डी बैक बोन, वहाँ से एक लोटस की लेयर पकड़ेंगे और राउंड करते हुए वापस लेफ्ट हैंड साइड होते हुए पीछे उसे टक कर देंगे। वो वहीं फिक्स हो जाएगी। 4th लेयर
उसके ऊपर से एक लोटस पेटल उठाएंगे और राइट हैंड साइड में उसे टक कर देंगे। ये हो गई आपकी 5 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड। इस तरीके से आप अपने आप को इस 5 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड में कवर करेंगे। इस शील्ड में कवर होने के बाद गॉड आपको ऑटोमेटिकली कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये अपने आप होगा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो एनर्जी मैं नहीं दे रही, वो आपको गॉड देंगे। उसके बाद आपको 2 लेयर्स और लगानी हैं, वो 7 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड मानी जाएगी। अब आप जिस तरीके से आपने 5 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड लगाई है, फिर दोबारा से वही प्रोसेस शुरू से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप गॉड को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने 5 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड लगा ली है, अब आप मुझे 7 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करें। जब आवाहन करेंगे सेम वैसे ही आपको ये प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की जाएगी और ओपन होकर आपके शस्त्रार से होते हुए आपके टोज से, पीछे से, बैक से आपको कवर कर लेगी। फिर आप सेम वैसे ही करेंगे, टो के नीचे से एक लेयर उठाएंगे और शस्त्रार के पीछे से कवर करेंगे, लेयर नंबर 1। लेयर नंबर 2 उसके बैक से एक लेयर उठाएंगे, टोज के नीचे कवर करेंगे, लेयर नंबर 2। लेयर नंबर 3 पीछे से फिर कवर करेंगे बैक के पीछे, लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 4 पीछे से आप कवर करेंगे और बैक के पीछे हार्ट चक्रा बैक एंड साइड में कवर करेंगे, लेयर नंबर 4। 5 लेयर आप वहीं से ऊपर से एक पेटल उठाएंगे और वापस जहां से 4th लेयर आपने उठाई थी वहां फिक्स करेंगे, लेयर नंबर 5। इसके बाद आप वापस बैक के पीछे से, शस्त्रार के पीछे से जहां से आपने 2nd लेयर उठाई थी, आप वहां से एक लेयर उठाएंगे, लेयर नंबर 6, और नीचे टो के नीचे फिक्स करेंगे। जहाँ फिक्स की है उसके ऊपर से एक लेयर उठाएंगे और ये लास्ट लेयर है, लेयर नंबर 7। इस पेटल को पकड़ेंगे और अपने हेड के पीछे से अपने आप को इस 7 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड में कवर करेंगे। जैसे ही आप इस शील्ड में अपने आप को कवर करेंगे, आपको डिफरेंट एनर्जी फील होगी और इस शील्ड में आने के बाद आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फील होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ दोबारा क्लियर कर दूँ, ये शील्ड, ये प्रोटेक्शंस सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ट्विन वन अनकंडीशनल लव जर्नी में हैं। नॉर्मल लोग भी इन शील्ड्स को लगा सकते हैं, लेकिन वो कैसा एक्सपीरियंस फील करेंगे इसके बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं जिस जर्नी में हूँ उस जर्नी के लिए प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है वो इन शील्ड्स का बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन स्पेशली जो ट्विन वन अनकंडीशनल लव जर्नी में है, वो पर्सन इन शील्ड्स को लगाने के बाद डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करेंगे। गॉड उन्हें खुद डायरेक्ट गाइड करेंगे, साथ ही साथ उनके जो चक्रास इम्बेलेंस हैं, इन शील्ड्स को लगाने के बाद धीरे धीरे वो चक्रास उनके बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको गॉड से हीलिंग मिलेगी, उनके एंजल्स, आर्कएंजल्स, उनके स्प्रिट गाइड्स, असेंटेड मास्टर्स उनसे कनेक्ट करेंगे। तो जो एक्सपीरियंस आपको इन शील्ड्स को लगाने के बाद होने वाले हैं, उनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ईथर लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे
ईथर लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी से भी बात कर सकते हैं। हम पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, एनिमल से बात कर सकते हैं, हम यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करते हैं। इस प्रोटेक्शन शील्ड के बाद अगर आपको चैनलिंग होती है तो ये नॉर्मल है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो मैसेजेस मिलेंगे आप ये देखेंगे कि वो रियल लाइफ में भी सही निकल रहे हैं, मीन्स आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ये प्रोटेक्शन शील्ड किसी रीज़न से ही आपको प्रोवाइड की जा रही है। सारी चीज़ें मैं आपको ओपनली नहीं बता सकती, जब आप इन प्रोटेक्शन शील्ड्स को लगाएंगे तो ही आपको वो सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अपने आप को यूनिवर्स से, परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं, और ये एक तरीके से हम हमारी और परमात्मा के बीच का वो कनेक्शन है जो हमें उनसे कनेक्ट करता है। उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस होता है, आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और इच्छा नहीं है तो बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन अगर आप कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, और साथ ही साथ उन लोगों को भी समझ आएगा जो बाकी लोग इन शील्ड्स के बारे में अवेयर नहीं हैं। मुझे एक्सपीरियंस हुए, मुझे नॉलेज दी गई, तो मैं आप सभी के लिए इस नॉलेज को प्रोवाइड कर रही हूँ। आप एक्सपीरियंस करने के बाद उनकी हेल्प करेंगे तो उन्हें वास्तव में ये महसूस होगा कि हाँ, कि ये जो शील्ड्स हैं इफ़ेक्टिव हैं और गॉड के थ्रू ही दी गई शील्ड्स हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है, कुछ कमेंट्स का जवाब तो मैं तुरंत दे देती हूँ, और कुछ कमेंट्स जिनका जवाब मैं कलेक्टिव के लिए देना चाहूँगी तो वो वीडियो के थ्रू दूँगी। जैसे आज की जो प्रोटेक्शन शील्ड है, एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि मैं इस जर्नी में अपने आप को बहुत स्टक फील कर रही हूँ, इसीलिए आपको ये प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की गई है, जिससे कि 3D और 5D के बीच का जो स्टकनेस पीरियड होता है उसमें आप बैलेंस बना पाएँ और आपको इम्बैलेंस फील ना हो, साथ ही साथ आप अपने चक्रास को अलाइन कर पाएँ और 5th और 7th डायमेंशन से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। मेरी इस प्रोटेक्शन शील्ड को लगाने के लिए, जो कि मेरी नहीं है, परमात्मा की है, मैं सिर्फ प्रोवाइडर हूँ, माध्यम हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मेरी बात को इतने ध्यान से समझने के लिए, मुझे इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सभी को अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ। परमात्मा आप सभी को ब्लेस्ड करें, उस जॉय तक लेकर जाएं, उस स्टेट तक लेकर जाएं जो अनकंडीशनल लव की स्टेट है, जहाँ पर हम सभी के लिए अपने हृदय में प्रेम महसूस करते हैं और हमें सभी से प्रेम ही महसूस होता है, कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता, हम सब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं और हम वननेस फील करते हैं। इट मींस कि हम अपने आप को यूनाइटेड फील करते हैं, एक दूसरे से अलग महसूस नहीं करते। परमात्मा अपने अनकंडीशनल लव के शावर से आप सभी को सराबोर करे। धन्यवाद।